हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 24 आप लोग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं धर्मेंद्र नरूका, मेरे साथ हर सर, हम दोनों हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के चारों शिफ्ट का जो पेपर है उसका एनालिसिस लेकर। पेपर आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर खुला हुआ है, तो फटाफट आप लोग सभी जुड़ जाएं, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। ये लीजिए सर, हर सर मेरे साथ हैं और हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं सर। अब पहले तो छोटी मोटी चर्चा ये करेंगे आपसे कि चारों पेपर को लेकर के आपको क्या ओपिनियन है, मतलब लैंग्वेज को लेकर के क्या ओपिनियन है। पहले बात तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो टेंशन में है ना, तो मैं उन सारे बच्चों को ये बोलूंगा कि टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है। मुझे जहां तक लगता है ना, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में, मतलब जितने भी नरूका सर ने पढ़ाए हैं या मैंने पढ़ाए हैं, जिन बच्चों से बात हुई है, तो सारे बच्चे जो है वो 20 प्लस तो जा रहे हैं ना, आराम से 20 प्लस जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो कमियां जो रह गई थी इस क्वालिफाइंग एग्जाम में, वो आप सब लोगों को पता चल गई है, आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया है कि आपको कहां काम करने की जरूरत है। जैसे मेरा ये मानना है सर, मुझे ऐसे लगा कि जैसे टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चन है ना, वो अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है ना, तो वहां पर थोड़ा सा एज ए टीचर जो है वो हमें भी मेहनत करने की जरूरत है और एज ए स्टूडेंट बच्चों को भी मेहनत करने की जरूरत है, वो थोड़े से अप्लाइड आ रहे हैं ना। और दूसरी बात, कई क्वेश्चंस को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, तो ये भी देखना जरूरी है कि भैया बोर्ड जो है वो कौन से सही आंसर को मानेगा, क्या वो उसे डिलीट करेगा। अगर मान लो वो एक ऑप्शन को चूज करता है तो दूसरे पे बच्चे आपत्ति लगा के आएंगे जो करके आए हैं, और या फिर दूसरे पे करता है तो फिर वो पहले बच्चे वाले आपत्ति करेंगे। तो थोड़ा सा मतलब गलत आंसर भी हमें लगे एज ए टीचर, जब हम दोनों ने डिस्कस किया, दोनों सर ने आपस में बातचीत की, डिस्कस किया, तो हमें ये लगा कि कुछ क्वेश्चंस में सही में कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चंस हैं और बड़ी मुश्किल आने वाली है बोर्ड को कि किस तरीके से वो जो है वो आंसर चूज करेंगे, है ना। क्या लगता है सर आपको? देखो एक्चुअली सभी पारियों की अगर मैं बात करूं तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन है, या तो उसके दो ऑप्शन सही हैं या फिर चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, यानी वो प्रॉपर ऑप्शन दिया ही नहीं गया जो होना चाहिए था। वैसे अगर कंपैरेटिवली चारों शिफ्ट की बात की जाए तो इंग्लिश का पेपर मॉडरेट था, इसको हम ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकते। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, ऑप्शन को अच्छे ढंग से ऑब्जर्व किया है, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपने करीब 20 और 25 के आसपास मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने ठीक किए होंगे। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी सर, हम शुरुआत कर लेते हैं एक बार। तो आप वो पेपर निकाल लीजिए और एक बार बच्चों के जो डाउट मन में आ रहे हैं कि सर बार बार बोल रहे थे कि सर पेपर करवाओ, सारे शिफ्ट का पेपर हम लेकर हाजिर हैं। और सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले हर सर आपको करवा रहे हैं शिफ्ट नंबर 4th, ठीक है ना। कौन सा शिफ्ट नंबर जो 4th है आपका, उस के पेपर को करवा रहे हैं। और ये शिफ्ट नंबर 4 किसकी है, 24th की, ठीक है ना, 24th जुलाई का 4th नंबर का ये शिफ्ट है। तो सर करते हैं इसकी शुरुआत और आप एक बार वो निकाल लीजिए जहां से क्वेश्चन नंबर शायद 61 होगा सेकंड लैंग्वेज में। एक सेकंड दीजिए सर मुझे। हाँ ये काफी एक मिनट, देखो बस ये आ गया आपके स्क्रीन पर। जिनका 24th को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी विद्यार्थी फटाफट लाइव आ जाएं भाई। देखो एक बार, ये आपका हिंदी है शायद, है ना, हाँ 61 नहीं सर, इसके ऊपर होगा शायद, मजूम ये सिंधी है। चलो भाई, भाषाएं बहुत सारी आती हैं आपके रीट में, खूब सारी भाषाएं हैं। ये संस्कृत आ गई और संस्कृत के ऊपर सेकंड लैंग्वेज, ये सर ये लीजिएगा सर, ये आपकी लैंग्वेज नंबर सेकंड जो आपकी, ये लीजिए आप, मैं चलाता हूँ उसको, आप ये मार्क कर लीजिएगा। चलो जी, है ना। हाँ। तो दोस्तों आ जाओ भैया ना, एक एक करके क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। और ये लो साइज, आई थिंक सर ठीक है ना। हाँ। एक एक ठीक साइज है, एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो सर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ हैविंग मेड सच अ कमेंट, है ना। तो यहां पर बेसिकली आपके पास में चार मॉडल दिए गए हैं, मे पॉसिबिलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, कैन कुड किसी व्यक्ति की एबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहां पर जो परफेक्ट आपके ऑप्शन आने वाला है ना, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शुड, राइट। शुड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि किसी व्यक्ति को वो सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट आपके पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव चीज के लिए भी कर रहा है ना, तो यहां पर बेसिकली सजेशन का भाव है, और सजेशन का भाव होने की वजह से हमने यहां पर शुड ऑप्शन को जो है वो चूज किया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बी जो बच्चे करके आए हैं वो उनके मार्क्स पक्के हैं,
उनको जो है वो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा ही बोल रहा हूँ सर। ऑप्शन एग्जैक्टली शुड बिल्कुल ठीक आंसर होगा। शुड एक्चुअली यहाँ पर जो सेंटेंस में बात की गई है कि तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए, तो सुझाव दिया गया है, आप सजेशन भी मान सकते हो और एक तरीके से हम इसे क्या भी मान सकते हैं सर, एडवाइज के सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो शुड आपका बिल्कुल प्रॉपर आंसर है। जो भी स्टूडेंट देखो, अब जिसका सीरीज अलग अलग है ना, तो क्वेश्चन का सिक्वेंस अलग हो सकता है, ये ए नंबर की जो सीरीज है उसका है, तो आपका जहां भी दिया गया है वहां एक बार आप चेक करें सर। 62 लीजिए, 62 है सर, ही चेज द थीफ एज फार एज ही डैश, ठीक है। अब देखो सर, बेसिकली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सेंटेंस आपके पास्ट में लिखा हुआ है ना, तो पास्ट में लिखा हुआ है तो कैन और कुड में से हम कैन को तो वैसे ही भूल जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है कैन आए आपके, है ना। मे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मे भी चांस पॉसिबिलिटी के बारे में बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने की बात हो रही है, और चेंज करना जो है वो किसी एग्जाम का दौड़ना करना जो है वो उसकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है ना, तो पास्ट एबिलिटी है, और चूंकि ये पास्ट एबिलिटी है दैट इज वाई आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, कुड होने वाला है ना। तो सर कुड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कुड बिल्कुल ठीक होगा। एक्चुअली यहां पर सेकंड फॉर्म है, तो इधर ऑब्वियसली बात है कि कुड ही होगा, मैं तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि मैं तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, पास्ट में इसका माइंड होता, हाँ शुड हो सकता था, लेकिन यहां पर एबिलिटी की बात हुई है, फिजिकल एबिलिटी की, सो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, द कार सीम टू हैव डैश, जो देखो बच्चों सर ये जो क्वेश्चन आया ईडीएम से आया है ना, ये क्वेश्चन आपका ईडीएम से एंड फ्रेजेस से है, और जो है बीट द बुश, तो बीट द बुश तो वैसे भी कोई ईडीएम नहीं होती, बीट अराउंड द बुश होता है, जिसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना है ना, तो वो होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है सर वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, वैनिश्ड इनटू थिन एयर, जिसका मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज जो है वो गायब हो गई है ना, तो कार के लिए कहा जा रहा है कि कार जो है वो आपके अचानक से गायब हो गई है, डिसअपियर हो गई है, राइट। जैसे कोई चोर जो है वो मान लो गाड़ी लेकर के भाग रहा हो और अचानक से गायब हो गया हो, तो ऐसा ही कोई कॉन्टेक्स्ट मान लो आप, द कार सीम टू हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर, अचानक से जो है वो आपके गायब हो गई है, डिसअपियर हो गई है, तो सर इसको एक बार मुझे जो है वो गायब करना पड़ेगा यहां से, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, ठीक है। ड्रामा का ओरिजिन पूछा था। अब देखो सर ड्रामा का, ये जो ड्रामा से जो है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बनते हैं, है ना। अब यहां पर बेसिकली अगर आपके सामने ग्रीस भी है और रोम भी है ना, तो ये माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रामा जो ओरिजिनेट हुआ उसका ओरिजिन जो है वो एथेंस में हुआ, जो कि ग्रीस में है ना। जनरली जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर में मान्यता है कि जो ओरिजिन जो हुआ है ड्रामा का वो दो कंट्रीज को माना जाता है, दो एरियाज को माना जाता है, ग्रीस को और रोम को, और अगर उनमें से भी हमें किसी एक को चूज करना पड़े तो एथेंस की वजह से ऑप्शन नंबर ए ग्रीस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर सर। देखो एक्चुअली अगर इसमें ड्रामा की जगह प्ले कर दिया होता तो फिर आंसर आपका इंग्लैंड होता, ये ध्यान रखना, ये ड्रामा जो शब्द है ना एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड ही है ड्रामा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर सही है, लेकिन अगर प्ले के बारे में क्वेश्चन वो पूछ लेता तो फिर हम इंग्लैंड पे जाते, तो बिल्कुल सर ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये भी गलत किया है तो फिर आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस पर हाँ ऑक्टेव और सेस्टेट था ना, ऑक्टा ऑक्टा तो वैसे भी आप जानते हो ना, सेस्टेट तो 6 लाइन को कहते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन को, तो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनेगा ना, जो आपका सोनेट होता है 8+6, ठीक है ना, पेट्रार्च एंड सोनेट, इंग्लिश सोनेट, क्लासिकल सोनेट, रेगुलर सोनेट, तो उसमें ये होगा। लीजिए सर नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला सर आपके फोनेटिक्स से आ गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव डैश साउंड सिंबल, कितने साउंड सिंबल्स होते हैं, ये भी पढ़ाई की था तो भैया सेकंड के अंदर आंसर कर देना है। अच्छा सर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था इनको, हाँ ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना था, एग्जाम के लायक क्वेश्चन दोनों ही नहीं थे ये, हाँ बड़े आसान से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ना। चलो उसके बाद में सर देखो, the phonetic symbol of the underlined letter in the word thin is, है ना? Thin का आपसे phonetic transcription में main जो word है beginning letter पूछा। हाँ, और beginning letter ऐसे theta, है ना? तो theta जो sign है वो option number B में है sir, है ना? तो correct answer हो जाएगा, आसानी से आप लोग कर लोगे। B is the correct answer। B करके आए हो क्या? अनुप्रिया सर English language first करवाएंगे, अभी आप second करवा रहे हैं भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आए हैं तो सब करवा के जाएंगे, मस्त रहो आप लोग, है ना? तो सर बड़े आगे थोड़े से क्वेश्चन जो है वो आगे लेकर चलते हैं, 67 तक अपन ने कर लिया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, लंग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, हाँ जी सर, है ना।
तो सर बेसिकली ये अंग वाला साउंड है, जो मतलब कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड जो अंग है ना, राइट, वो बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड आया। अब क्या है यहाँ पे, वो ये चाह रहा था कि बच्चे जो है इसको चूज करे जी, है ना, लेकिन वही वाली बात सर जो आपने बनाई दिया है साइन, हाँ। कि बेसिकली यहाँ पर ही जो है ये आपके इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड हो जाता है, ये जो साइन हो गया ना, ये दोनों तो आपके गलत ही थे। हाँ, और जैसे कि और इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, है ना, जैसे अगर मान लो आपके पास में सिंग आया, तो सिंग के अंदर आपको क्या करना है, एस बनाना है, आई बनाना है, और ये वापस से ये बना देना, यही हो गया आपका, है ना। जी अगर आपने डाला एंड में ऐड किया, चाहे वो सिंग हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो लंग हो, है ना, तो ये आपको एंड में अंग वाला जो जो फोनेटिक का जो सिंबल होता है बस उसको लगा देना है, और यहाँ पे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके कंप्लीट हो जाता है। सही बोल रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ये जो जी दिया गया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, अगर जिन्होंने फोनेटिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ा है तो 100% क्वेश्चन आप ठीक करके आए होंगे। तो इसका सही आंसर बनेगा सर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, द वर्ल्ड हैविंग द साउंड ऑफ ई ए। देखो एक्चुअली ये आपका डिप्थोंग्स में से क्वेश्चन पूछ लिया, आपके जो आपके वाउल साउंड हैं वो 20 होते हैं, जिनमें से 12 तो आपके मोनोफोंग्स होते हैं जिनमें सिंगल साउंड होता है, और बाकी के जो 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं। तो डिप्थोंग में से आपसे पूछा है, देखो ये साउंड पूछा है, अगर आपने इतना अंदाजा लगा लिया होगा ना तो आई एम डैम श्योर कि आपने आंसर सही किया होगा, और अगर ये अंदाजा नहीं लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। अब देखो हायर है, रोर है और मूर है, तो इनमें से सही आंसर तो यही बनता था, पियर, ईयर, ईए, ईए, ईए का साउंड था ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होता था। लीजिए सर 70 नंबर का क्वेश्चन। सर ये बेसिकली आपके जो थ्योरी है फोनेटिक्स की उसमें से आया है, और बेसिकली एच जो है वो कैसा साउंड है ना, हाँ। तो एच जो है वो बेसिकली हम इसको वॉइसलेस साउंड मानते हैं, और ये वॉइसलेस साउंड की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा। जो जो बच्चे आपके एच का ऑप्शन नंबर ए करके आए हैं उन सबका कॉन्सोनेंट साउंड से पूछा है भाई आपसे ना, कॉन्सोनेंट साउंड जो 15+9 की कैटेगरी में होते हैं ना, तो 15 तो आपके क्या हो गए, वॉइसलेस हो गए, और 9 होते हैं वॉइस, तो पेटे कहते हैं चेस एफ है, वो जो 9 होते हैं ना उनमें से ये नहीं है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपका ए सही है। चलो नेक्स्ट देखिएगा 71 है, एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव एज इज एन इंपरेटिव ऑफ। अब ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन आ गया ना, तो बात यहाँ पर ये है सर, देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अब वो क्या मानती है, बोर्ड क्या मानेगा उस पर डाउट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्सप्रेशन जो है वो इंप्रेसिव होना चाहिए। ये बात, ये एक नेचुरलनेस का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलनेस, है ना, कि स्वाभाविक रूप से जो है वो आप इंप्रेसिव जो है वो एक्सप्रेशन को व्यक्त करो, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बट कहीं ना कहीं सर मुझे अब इसको लेकर भी है, ऑप्शन नंबर ए को भी है लेकर के दिमाग, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट होता है, तो वो क्या मानेगा इसको लेकर के सर, मेरा थोड़ा सा मेरा बी के साथ में जो है वो ज्यादा लगाव है। बिल्कुल देखो ए और बी अभी हम किसी बात पर बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो आंसर की फाइनल जो जारी की जाएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा, तो हमारी तरफ से हमने दोनों जो ऑप्शंस हैं उनको इक्वल रखा है, ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है और ऑप्शन आपका बी भी ठीक हो सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप इन दोनों में से करके आए तो अभी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज असेंशियल डैश इज ए रैशनल ऑफ। तो डायरेक्ट मेथड आपका कम्युनिकेटिव मेथड सब स्ट्रक्चर और अब देखो सर ये तीन तो सिलेबस में ही नहीं है ना, हाँ। तो ये तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा कम्युनिकेटिव अप्रोच है, सीएलटी आपके है तो उसी को आपको करके आना है ना, सो मेथड तो थे ही नहीं, हाँ एक्चुअली मेथड तो आपके तो बेसिकली अगर कुछ है तो वो सर एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है कि धांगर साहब की सर इंग्लिश फर्स्ट भी करवाओ, तो इसके लिए एक बार बताओ कि अभी आज लैंग्वेज सेकंड करवाएंगे बाद में करवा देंगे लैंग्वेज, बेटा कोई इशू नहीं है, सारे पेपर कराने हैं हमें, है ना, हमें तो जो है वो सारी चीजें सारी चीज डिस्कस करनी है आप लोगों से ना, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप पहले पेपर की डिमांड कर रहे हो ना वैसे और बच्चे जो है वो इस फोर्थ वाले भी लैंग्वेज सेकंड वाले भी बहुत सारे हैं ना, स्टूडेंट लैंग्वेज सेकंड के हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कीजिए, चलो 72 के बाद 73 नंबर का क्वेश्चन देखो, इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या जो है वो एडवांटेज है ना, तो सर ऑब्वियसली बात है स्पीच एबिलिटी के ऊपर फोकस करता है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसमें जो फोकस किया जाता है वो बेसिकली आपके स्पीच के ऊपर किया जाता है कि कितना अच्छा आप अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस कर पाते हो ना, सो जो सही आंसर होगा वो बेसिकली आपके ऑप्शन नंबर बी स्पीच एबिलिटी जो है वो आपके होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, हाँ एग्जैक्टली इसी की बात करता है। लैंग्वेज इज
लैंग्वेज हैज, अच्छा हाँ, लैंग्वेज हैज स्क्रिप्ट फीलिंग गेस्चर ऑफ साउंड. सर ये इसमें फिर से मेरे को डाउट है. अब देखो सर, बेसिकली चारों ही लैंग्वेज के पार्ट हैं. आप जब लैंग्वेज का यूज करते हो तो उसमें जेस्चर भी होते हैं, राइट? आप अपने हाथों, आपने सर हिला करके यस हो गया, नो हो गया, जेस्चर्स के थ्रू भी आप जो है वो आप अपनी बात को रखते हो, है ना? वो भी लैंग्वेज का हिस्सा है. साउंड भी हिस्सा है, स्क्रिप्ट भी हिस्सा है, और फीलिंग भी हिस्सा है. फीलिंग नहीं है लैंग्वेज का. तो सर इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस का है. क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है, मुझे भी ए तक, हाँ, स्क्रिप्ट होना चाहिए. अगर अगर हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बाकी के तीन ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और स्क्रिप्ट जो है उसको उसके साथ में जाना चाहिए. इसके पीछे रीजन ये है कि लैंग्वेज को रिटन फॉर्म के रूप में माना जाता है मेथड्स के अंदर, तो हो सकता है इसमें स्क्रिप्ट ही माने. देखो 90% चांसेस तो स्क्रिप्ट मानने के, या फिर अब इनमें से वो कोई मान सकता है जैसा सर ने बताया कि मानेगा तो सर इसमें मानेगा, लेकिन जो थ्योरी है ना उसमें बेसिकली जिस तरीके की चीजें हैं तो बड़ा ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन में आता है. ये तो हिस्सा तो है ही है लैंग्वेज का भी, तो आप प्रोनाउंसिएशन तो करोगे ही करोगे. फिर भी चलो, इफ ए बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली, द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न डैश इन फैमिली एंड फ्रॉम एनवायरमेंट. तो आपको दोनों ऑप्शन फिल करने थे. तो बंगाली फैमिली अगर दिल्ली में रहेगी तो फैमिली से तो वो बंगाली सीखेगा, ऑब्वियसली बात है. और एनवायरनमेंट से वो हिंदी सीखेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है. तो ऑप्शन नंबर बी बंगाली और हिंदी जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा ना. नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन इज डन ऑन टू बेसिक्स. तो इवैल्यूएशन के जो दो जो इंपॉर्टेंट मीडियम्स हैं वो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है. और ये इतनी बार इसकी चर्चा होती है इवैल्यूएशन में कि ये तो बच्चों के दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए ना. फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है ना, और सीसीई का भी हिस्सा है. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से आप लोगों ने कर दिया होगा ना. अब बढ़ते हैं आगे. एंड 77, द कॉम्प्रेंसिव एवेल्युएशन इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज, असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स एंड वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड कोऑपरेशन. तो देखो कॉम्प्रेंसिव इवेल्युएशन होता है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है स्कोलेस्टिक और दूसरा होता है कोस्कोलेस्टिक, है ना. तो स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट जो होता है उसके अंदर बेसिकली आपके एग्जाम्स जो लिए जाते हैं, राइट, आपके फॉर्मेटिव और समेटिव जो जो असेसमेंट हो गया वो आ गया. कोस्कोलेस्टिक में आपके को करिकुलर एक्टिविटीज आ गई. तो ए बी सी तीनों ही चीजें जो है वो कॉम्प्रेंसिव में कवर होती है, और दैट इज वाई जो है आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है. को करिकुलर एक्टिविटीज भी होगी, हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस और कोऑपरेशन, मतलब यू नो टीम के साथ काम करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए. तो सारी चीजें जो है वो इसमें आ जा रही है ना. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, क्लास मैगजीन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो अब बच्चों देखो एक बात ध्यान से सुनो ना, क्लास मैगजीन जो बनाई जाती है ना ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब इसमें एक बच्चे का रोल नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है वो मिलकर के काम करते हैं. तो एक तरीके से ये प्रोजेक्ट हो गया है ना, असाइनमेंट नहीं होता. आप कोई टॉपिक पढ़ाते हो उसके बाद में असाइनमेंट, एक पर्सन, हाँ. तो बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा, और राइटिंग टेस्ट, स्पीच टेस्ट, असाइनमेंट ये जो है वो सही आंसर नहीं होंगे. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना. क्वेश्चन नंबर 79 है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेमेडियल वर्क इज टू हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज, स्पॉट द वीक एंड पनिश देम. तो ये तो डी सी तो बकवास ऑप्शन है सर, है ना. मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस. सी और डी तो किसी हालत में नहीं हो सकते. और ए और बी में जो अच्छा आंसर है वो आपके बी है, कि बच्चों की जो कमियां रह गई है ना, स्टडीज के अंदर जो कमियां रह गई है ना, उसका पता लगाना जो है वो बेसिकली रेमेडियल टीचिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो लैक इन स्टडीज रह गए उसको पता लगाना, उन केसेस का पता लगाना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है सब आपके, है ना. क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो आप लोगों के सामने है, और रेमेडियल टीचर शुड कीप लाइजनिंग विद द पेरेंट्स टू एंश्योर द वीकनेस ऑफ देयर चाइल्ड, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, वर्क इन सेम एनवायरमेंट और रिब्यूक द स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स के साथ में लाइजनिंग इस वजह से रखनी है ताकि वो जो उसकी जो चाइल्ड पीछे रह रहा है, लैग कर रहा है अपने सब्जेक्ट में, उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, कि उनको पता लगा पाए कि किस वजह से बच्चा जो है वो बेसिकली आपके पीछे रह. कई बार क्या होता है सर, घर का एटमोसफेयर भी ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है. कई बार बच्चे स्कूल से जाते हैं, घर जाकर के पेरेंट्स की शॉप पे बैठ रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. पेरेंटल प्रेशर भी कई बार इसकी वजह बन सकता है. हाँ हाँ हाँ. तो मूव करते हैं आगे. चलो 81-80 तक हो गया. अब आपका पैसेज है, देखो पैसेज, ये पैसेज देख लेते हैं. पढ़ लिया होगा इन्होंने सबने. हाँ पढ़ लिया होगा पैसेज. यू लाइक टू ईट अ पिज्जा और यू प्रीफर ए हैमबर्गर, द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग. अच्छा अब देखो बेसिकली आप अब यहां से ध्यान से देखो, है ना, उसने दो दो चॉइसेस दी हैं आपको, है ना,
उसने बोला है साहब आपको कि तुम पिज्जा खाओगे या हैमबर्गर खाओगे, और जब भी बात चॉइस की आती है ना, तो आप कौन सा कंजंक्शन यूज करते हो? और, राइट? तो और इज गोइंग टू बी द राइट आंसर कि भैया क्या खाओगे, पिज्जा या हैमबर्गर, चॉइस दे रहा है वो आपको, अल्टरनेटिव दे रहा है साहब आपके, है ना। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82, और क्या है ये इसको देखते हैं। आई एम श्योर इट इज ट्रू, है ना। तो देखो बच्चों, अब जब आप सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ते हो तो उसमें बेसिकली नाउन सबॉर्डिनेटर्स होते हैं। पहला ही कॉन्सेप्ट है ये कि बेसिकली दैट जो होता है वो श्योरिटी को दिखाता है, राइट। तो वो यहाँ पे बोल रहा है आई एम श्योर, ये आपके पहला क्लॉज हो गया। दूसरा जो क्लॉज है इट इज ट्रू, उसके दूसरे क्लॉज में बोल रहा है, अब इन दोनों को ज्वाइन कराना है, श्योरिटी का भाव है, सर्टेनिटी का भाव है, तो आप कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करोगे? दैट कंजंक्शन का प्रयोग करोगे। सर्टेनिटी है, किसी बात को लेकर श्योर है। मैं बोलूँ आई एम श्योर दैट ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इस बात को लेकर मैं श्योर हूं, तो आप कौन सा कंजंक्शन लगाओगे? दैट लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट होना चाहिए। मैनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और मैनी ए के बाद में आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हो और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हो, राइट? ये दोनों कंफ्यूज करते हैं बच्चों। हाँ, इसके साथ आता है प्लूरल, इसके साथ सिंगुलर आता है ना, इसके मैनी और एन के साथ सिंगुलर आता है, तो आपका डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है ना, वॉज भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी गलती कर देते हैं। हाँ, इसमें भी इज डन हो जाता है ना। हाँ। तो ये इज डन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो हैज के साथ लगेगा, इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आता है। हाँ, वो एडजेक्टिव के अगर फॉर्म में है तो लग सकता था, लेकिन यहाँ जो है ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया, तो बी ऑप्शन सही है। गोल्ड एंड सिल्वर प्रीसियस मेटल्स, अब देखो मेटल्स दिया हुआ है, आप पीछे से पकड़ लेते हैं, यहां से नहीं पकड़ना है तो। अच्छा, अब आपको हैव नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहां पर पजेशन की बात नहीं की गई है, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के रूप में आप आर पर जाओगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स। इसके बाद था देखो डैश, नो वन हैड अ वर्ड फॉर इट, डैश द अंडरलाइन वर्ड इज द लाइन फ्रॉम द पैसेज स्टैंड्स फॉर, इसके लिए आया है। तो ये इट जो है ना, वो जब पैसेज पढ़ोगे पता चलेगा, बोट के लिए आया है ये। हाँ। है ना, तो जिन्होंने पैसेज पढ़ लिया उन सब लोगों को पता होगा ये जो है वो बेसिकली बोट के लिए आया है, ना। आप सेशन शेयर कर दो एक बार, है ना, सभी प्यारे विद्यार्थी सभी सेशन शेयर कर दो। चलो, हाँ, अब आपकी एक पॉइंट दी गई है, और पॉइंट है वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिसन वाइल्ड वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये आपकी पॉइंट दी गई थी, और पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है पॉइंट में से वो है कि ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिसन वाइल्ड। अब आप जरा देखो, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में भी बताया था कि अगर सेंटेंस में आपको लाइक मिल जाए, एज मिल जाए, सो मिल जाए, तो वहां पर डेफिनेटली सिमली होता है। क्या होता है आंसर? सिमली होता है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे, है ना। ब्लू कैसे कि एज द विंग्स ऑफ ए हेलिकन वाइल्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सिमली सही होगा, बी सही आंसर। हाँ, हो जाएगा। बड़ी प्यारी सही आंसर होगा। ये इंडियन वीवर्स जो है वो बहुत ही प्यारी पोएम है। हाँ। और कमल सरोजिनी नायडू। चलो आगे देखते हैं साहब आपके, द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज, तो ये तो ए ए और बी बी हो गया, डे गे और वाइल्ड चाइल्ड, है ना। हाँ, सेम साउंड है, पहली दूसरी लाइन का सेम है, तीसरी चौथी लाइन का सेम है, तो ऑप्शन है द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी मे बी, कॉमिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, और सटैरिक भी हो सकता है, ना। ऑप्शन नंबर डी सी होगा भाई इसमें। ऑल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एंड उसके बाद में देखो, द्रविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम, है ना। तो ये भी भैया कंपैरिजन ही है, एक तरीके से तुलना ही कर रहा है, और इनडायरेक्ट वे में तुलना की गई है, तो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आप यूज करोगे, मेटाफर यूज करोगे? सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा, ना। ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी। आप देखो सर क्या हुआ, एक बच्चा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रही है सर, मेरे पास फोन आया, बोले सर ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अब उनको, हालांकि मैंने तो इनएनिमेट भी मेरी क्लास में बोला हुआ है, लेकिन उनको लिविंग और नॉन लिविंग ये इनके दिमाग में है ना। अब उस, हैबिचुअल हो रखे हैं। हाँ, तो बेसिकली इन एनिमेट का मतलब भी आपके नॉन लिविंग ही होता है। एनिमेट का मतलब लिविंग और इन एनिमेट का मतलब नॉन लिविंग, है ना। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो सही आंसर को लिविंग से कंपेयर करना, सिंपली आप समझ सकते हो, तो सबको पता है पर्सोनिफिकेशन होता है। इसको गलत करके नहीं आए होंगे आप, जहां तक की बात है। तो ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए, है ना। ये आपका शिफ्ट नंबर फोर्थ था, शिफ्ट नंबर फोर्थ था, और 24th को ये हुआ था। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट की बात हम करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं ग्रुप में, सीधे चले जाओ। चलो सर
देखो वही चल ओपन कर लो, कोई चल ये तो सेम खुल गया। हाँ जस्ट चलो देखिए अब आ गया आपका पेपर सिप नंबर वन। अच्छा ये एसटीसी वालों का है भैया ना, लेवल वन वालों का है, लेवल वन वालों के लिए है भैया ना, लेवल जो वन है उसके लिए था ये ना। चलो एक बार देखो आपके सामने है और संस्कृत आ गई आपकी, यही होनी चाहिए वैसे तो, कौन सी लैंग्वेज है सेकंड ये है। चलो संस्कृत से ऊपर आपकी हिंदी होगी, सॉरी इंग्लिश होगी। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। अब ये आपके एसटीसी वालों का है, अच्छा ये आपके एसटीसी वालों का है भाई, बीएसटीसी वालों का है, जो लेवल फर्स्ट वालों का है, लैंग्वेज सेकंड में करवा रहा हूं। आप जरा देखना 23rd को फर्स्ट सिप में जिनका एग्जाम हुआ था वो जरा इसे देखेंगे ना, 23rd को जिनका फर्स्ट सिप में एग्जाम हुआ था। देखो पहला क्वेश्चन पूछा था टू अवॉइड टॉकिंग, देखो इन्होंने कई सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं। इसमें पूछा कि टू अवॉइड टॉकिंग अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट द इडियम फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेस, तो हिट द सेट ये तो नहीं था, अप इन द आर्म्स बिल्कुल सिंपल था, बीट अराउंड द बुश एक इन्होंने किया था, उसमें से सर अराउंड को हटा दिया था, अभी सर बता रहे थे ना उस टाइम, तो उसमें से क्या किया था अराउंड को हटा दिया था, लेकिन इस बार क्या किया उसी ईडीएम को भूत लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद था चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द गिवन वर्ड, देखो इस बार थिन के बारे में पूछा है है ना, हाँ और वहां केवल केवल सिंबल पूछा था, तो यहाँ थिन का कौन सा है, थे साउंड किससे बनता है, एक में नजर आ रहा है सर, हाँ आंख बंद करके लगा, एक में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन सही था आपका है ना, बी ऑप्शन सही था। इसके बाद देखो आपका 63 जो है आपका वो जरा देखिए, इसमें से आपको सेम वाउल साउंड ढूंढना था है ना, आपको क्या करना था सेम वाउल साउंड क्या करना था इनमें से ढूंढना था। अब देखो ना नो और नाउ ये तो दोनों ही डिफरेंट हो गए तो गलत है, देखो पुट और कट इनको तो कोई भी बता देगा है ना, तो ये भी गलत हो गए। अब आपका जो सही था टेल बेल और सेल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही था है ना, ए वाला सही था बिल्कुल। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिंस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स, जिसमें डिफरेंट साउंड पूछा था। अब देखो जरा देखो इसमें तो है हाई ठीक है, हाइक और बीट और हायर है ना, हायर तो एक्चुअली यहां पर जो डिफरेंट है वो बीट है, सबको पता था। क्या पूछा है डिफरेंट साउंड, तो किस कौन सा शुरू हुआ है बीट, बीट है आपका, क्या बन जाएगा बीट बन जाएगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉल, तो कॉल को लिखते कैसे भाई, इस तरीके से लिखते हैं। अब आप देख लो कहां है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका, 65 बी वाले के साथ सही हो जाएगा, 65 किसके साथ सही हो जाएगा, बी वाले के साथ सही हो जाएगा ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं सर क्योंकि अभी तो सेकंड पेपर पे चल रहे हैं हम। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच के रिलेशन में कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे इस नॉट से बड़े कंफ्यूज होंगे कि नॉट 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 लगा दिया होगा, अच्छा नॉट को पढ़ा नहीं होगा तो ऑप्शन भी आपका गलत हो गया होगा। देखो इट इज प्रैक्टिकल इन यूज, तो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो तो प्रैक्टिकल होती ही होती है। दूसरा इट इज सिचुएशनल मीनिंगफुल एंड सेल्फ रिवार्डिंग, बिल्कुल। इट डेवलप द स्पीच एबिलिटी, तो ये भी ठीक था, लेकिन ये टीचर्स सेंटर्ड नहीं होती, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है माय डियर वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। कैसी होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर डी था। अब देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये, जनरली अप्रोच में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इन स्ट्रक्चरल अप्रोच, पहली बात तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ना वो आपके लैंग्वेज का हिस्सा ही नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही अप्रोच है दैट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके अलावा अप्रोचेज है नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा तो आंसर तो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चर रिलेट टू द स्ट्रक्चर वेयर अप्रोच स्टैंड फॉर, अप्रोच का मतलब
गोइंग अवे से किसी चीज़ को अप्रोच करना, और अप्रोच का करना तो मतलब किसी चीज़ के कहाँ होना, नज़दीक होना, कहाँ होना, नज़दीक होना, ठीक है। चलो 67 के बाद देखो 68, ये लीजिए सर 68 देखो एक बार। हाँ जी, द क्वेश्चन है द टीचिंग विच इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज फेल इन वन सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है भैया, रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो पीछे रह गए बच्चे उन बच्चों को जो है वो वापस से ट्रैक पे लाने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है ना। तो 68 भी आसान क्वेश्चन है आपका, रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपल्स। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली कि भैया जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे ने सीखा भी है या नहीं सीखा है, कितना कितना उसको जो है लर्निंग है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पता जो है वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही तो लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवैल्यूएशन इन विच द टीचर शुड प्रिपेयर अ रिकॉर्ड शीट फॉर ईच स्टूडेंट इंडिकेटिंग द डिफरेंट स्किल्स टू बी टेस्टेड इन। तो वो जो इवैल्यूएशन होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्ड शीट रखी जाती है ना। तो मंथली अटेंडेंस तो नहीं है, नोटिस बुक नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड शीट आपके रिकॉर्ड कीपिंग में रखा जाएगा जहां पर बच्चा जो है वो बच्चे की सारी जानकारी रहेगी ना। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो। तो डिजिटल पोर्टफोलियो का टाइप कौन सा नहीं है, डेवलपमेंटल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया और ऑक्यूपेशनल हो गया। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशनल नहीं है, मतलब रिफ्लेक्टिव होगा, ऑक्यूपेशनल होगा और डेवलपमेंटल होगा। नॉट पूछा गया यहाँ पे, नॉट पूछा गया है ना, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और ये अब पैसेज आ गया आपके, पैसेज पढ़ रखा होगा सीधा, हम दिखा दो इनको, देख लो भैया ना ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वी टू कैन मेक डिफरेंस बाय स्पर्निंग दैट प्लास्टिक बैग फॉर क्लोथ बाय बाइंग आर एरिएटेड वाटर इन ग्लास बोटल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक और इसके ऊपर है, नॉन ग्रेडेबल चीजों के ऊपर है ना। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ, तो वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, अब वन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हमें इसका प्रयोग करेंगे। आसान हो गया ये तो, राइट। और वी शुड कैरी क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा ना, तो एक की जगह दूसरी जगह को, दूसरे चीज को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई इंस्टेड ऑफ, इसी का हम प्रयोग करेंगे साहब आपके, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, देखते हैं। कॉमन मैन डैश मीडिया कैन प्ले एज वेल एज मीडिया कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पेक्ट, है ना। दोनों जो कंजंक्शन की फॉर्म है एज वेल एज का हम प्रयोग करेंगे। कॉमन मैन प्लस मीडिया जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स, अब बच्चों ये दो चीजों को एंड से जोड़ दिया है ना, इधर वॉक तो होगा नहीं, किसी हालत में होगा नहीं, कैन बी, हाँ कैन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, स्मॉल एफर्ट्स कैन डैश अ बिग डिफरेंस, है ना, कैन मेक 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 इज गोइंग टू द राइट, मेड तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना, डिफरेंस इज रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज, है ना, तो वेस्ट के ऊपर है, तो वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पाउचेस कैन बी बाय रिप्लेस करने के बारे में बात हो रही है सर, प्लास्टिक ग्लास मिल्क बॉटल से रिप्लेस किया जा सकता है ना, तो रिप्लेस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। स्लिथरी स्लाइडरी स्केली ओल्ड स्नेक, द लिटरली डिवाइस यूज इन द अबव लाइन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, कौन सा है साहब आपके, एलिट्रेशन हो जाएगा, है ना, सेम साउंड का रिपीटेशन हो रहा है साहब आपके। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, देखो द लिटरली डिवाइस प्रेजेंट इन द लाइन आई एम एज क्विक एज चीता, तो ये एज एस का प्रयोग हो गया, आसान आप लोगों के लिए सिमली हो गया। और अब राइम स्कीम पूछी आपके, डे वे एयर, राइट, तो ए ए बी बी आसान है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं, ऑल द लिटिल कॉर्न फ्लेक्स वर सो एक्साइटेड दे वर गेटिंग टू कम आउट एंड प्ले, व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द अबव लाइन, है ना। तो कॉर्न फ्लेक्स के बारे में बात हो रही है साहब इसके अंदर, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। चलो भैया ना सर बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अ मॉर्नफुल पोएम टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड इज कॉल्ड, है ना, तो एलिजी हो गया साहब आपके, है ना, डेथ पे जो मॉर्निंग पोइम होती है वो एलिजी कहलाती है आपके। द लिटररी टर्म यूज फॉर अ पोइम ऑफ 14 लाइंस यूजिंग एनी नंबर ऑफ फॉर्मल राइम स्कीम इज कॉल्ड सोनेट, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको परेशान करे। हु नोज वाई द कोल्ड विंड ब्लोज,
द लिटररी डिवाइस यूज इन द अबव लाइन इज हु नोज व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोज सर देखिएगा जरा आप हाँ क्वेश्चन नंबर 85 देखिए नोज और ब्लूज दो आपको वर्ड दिए गए थे इन दोनों में आपका जो कंसोनेंट साउंड है देखो नोज में तो ना है और ब्लोज में बा है लेकिन इनमें दोनों में जो साउंड है आउ है ना नो नो और ब्लो ओ का जो साउंड है नो और ब्लो तो वो सेम है तो जैसी बात है असोनेंस होगा आपका है ना क्या हो जाएगा असोनेंस हो जाएगा चलो भाई नेक्स्ट चलिएगा फटाफट देखिए द लाइंस गिवन बिलो द लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड इन Betty Botter bought some butter. तो इसमें इसमें देखो ये आपसे पूछा भी है ये आपके शिफ्ट नंबर थर्ड में पूछा है और इसका वहां पर लिटरेरी डिवाइस पूछा है लेकिन अब आपसे पूछा है मेटाफर तो मेटाफर नहीं होगा इसमें As cold as ice तो ये सिमिली हो गया ये भी नहीं होगा A host of golden daffodils and in the it is the east and Juliet and the sun. So sir वो right answer option number C हो जाएगा बिल्कुल correct answer है A genre of drama based on human suffering and mainly the terrible or sorrowful events that befall main character is known as tragedy. Tragedy हो गया साहब क्या साहब? Tragedy होगा. और fable पूछा है आपसे fable. A fable is an example of fable short story कहते हैं. Fable जो आपके animals और birds की जो कहानियाँ होती हैं having moral of the story है ना जिनमें moral होता है. लास्ट में इन द एंड क्या होता है एक मॉरल होता है तो उसे शॉर्ट स्टोरी ठीक है माय फादर स्विम आया है तो यहां पर वॉच है तो सब कुट बन जाएगा एबिलिटी की बात की गई है और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपका इस शिफ्ट का बीएसटीसी वालों के लैंग्वेज सेकंड का नो पेन नो गेन ये कौन सी इडियम बिल्कुल ठीक बताती है यू हैव टू वर्क फॉर यू वॉन्ट वेट फॉर द राइट टाइम टेक केयर ऑफ योर पेन्स डू नॉट हार्म अदर्स तो देखो इसमें एक ही आपकी सुटेबल बनेगी जो अप्रोप्रिएट भी है दैट इज फर्स्ट यानी यू हैव To work for what you want, जो आप चाहते हो उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा अरे लैंग्वेज फर्स्ट करवा देंगे भी लैंग्वेज सेकंड तो कर लो अभी दो ही बात दो शिफ्ट का हुआ है दो शिफ्ट का और बाकी है अभी आप एक तो करो फिर दूसरा भी करवाएंगे भाई एक बार सर अनलॉक करो उनसे चलो ये तो बात हुई अब इस वाले को लो सर हाँ इसी को लो देखो हाँ शिफ्ट नंबर थर्ड ठीक है 24 का है ये और इसमें हम शिफ्ट नंबर फोर्थ की बात करेंगे जरा देखो इसमें आपकी लैंग्वेज आ गई देखो जहाँ तक मेरा अंदाजा यही निकलनी चाहिए ये लीजिए बिल्कुल बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 61 जरा शिफ्ट नंबर थर्ड वाले आ जाओ भाई शिफ्ट नंबर थर्ड वाले आ जाओ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले आया हूँ मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन पूछा है देखो शिफ्ट नंबर थर्ड में मेथड्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे आए थे है ना मेथड्स के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आए थे अगर आपने मेथड्स एक्चुअल में पढ़े हैं तो ही क्वेश्चन आप कर पाए होंगे अदरवाइज आपने गलत भी कर दिए होंगे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है चलो जरा देखो विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज अब ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन आपसे एक बार फिर देखो नॉट देके पूछा है कि जो एडवांटेज नहीं है तो क्या होगा बताओ जरा गिव्स ए सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस अच्छा देखो ऑनलाइन एजुकेशन का तो फायदा यही है कि आपको टाइम और जो स्पेस है उसका जो एलिमिनेशन है ना जो बैरियर है उसको एलिमिनेट कर देते हैं यानी टाइम की बचत भी होती है और आपको किसी दूसरी जगह पर नहीं जाना होता ठीक है दोस्तों कंटिन्यू करिए आप अपने एनालिसिस के साथ में तो मेरी एक क्लास है तो सर कंटिन्यू कर रहे हैं ना और ऑल द बेस्ट मेंस के लिए आप जम के मेहनत करना और जम के जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू करना ना बिल्कुल बिल्कुल सर देखिए जरा तो विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग तो देखो टाइम और स्पेस दोनों ही बचत होती है कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिल्कुल सही है जिस टीचर से आप ऑफलाइन में पढ़ने के 20,000 रुपए देते हो उससे आप 5,000 रुपए में पढ़ लेते हो तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है ये और द इंस्ट्रक्शन पेस इज फ्लेक्सिबल है ना एक बात हजारों ही बच्चों के पास फैल जाती है अरे मैं लैंग्वेज फर्स्ट भी करवा देंगे अभी लैंग्वेज सेकेंड तो करवा लें भाई चार पेपर हैं तीसरा चल रहा है करवा देंगे बात आपकी मान ली बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी ये देखो आप है ना
देखो जरा, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ना 61 में वो है गिव्स ए सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर। उसके बाद था विच वन ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग। अच्छा, इसमें तो जो एडवांटेज नहीं है, इसमें जो डिसएडवांटेज पूछा है कि इट इज इजी फॉर द स्टूडेंट टू नेविगेट इन्फॉर्मेशन, नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, वेल डिजाइंड ऑनलाइन कोर्स मेक्स इट इजी। तो देखो ये दोनों तो आपके क्या है, एडवांटेज है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो ऑनलाइन में वो नेविगेट कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, फिर आंसर कर देते हैं, तो एक्यूरेसी खुद को पता नहीं लगती। ठीक है, खुद को पता नहीं लगती, क्लियर ना। अरे लैंग्वेज फर्स्ट करवा देंगे। थर्ड देखो, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन इज बेसिकली फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड, सबमिटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड, फॉर्मेटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड, और सबमिटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड। तो देखो जरा, जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है वो टीचर बेस्ड तो होगा नहीं, है ना, टीचर बेस्ड तो होगा नहीं, तो आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो कंटिन्यूअस को या तो ये सबमिटिव, देखो बी ऑप्शन पर ज्यादा जाएंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों का ध्यान रखना ना, ए और बी दोनों का ध्यान रखना, ए और बी दोनों का ध्यान रखना। वैसे तो ए हो सकता है, क्या होगा, सबमिटिव इन नेचर इज स्कूल बेस्ड, लेकिन कंटिन्यूअस होता है, लगातार चलता है, तो फॉर्मेटिव को मान सकते हैं, तो इसको हम डाउट में रखेंगे। 63 में ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जब आंसर की आएगी तो एक बार मैच कर लेना। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए मेरिट ऑफ ग्रुप इवेल्युएशन, ग्रुप इवेल्युएशन की एक मेरिट नहीं है। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, स्टूडेंट लर्न इन कोऑपरेटिव मैनर एज दे हेल्प। देखो इसमें ऑप्शन ए ठीक था आपका, क्योंकि ग्रुप जो टीचिंग, ग्रुप लर्निंग जो होती है, ग्रुप जो इवेल्युएशन होता है उसमें डिफरेंट टीचिंग स्टाइल को इवेल्युएट नहीं किया जा सकता, तो ये एक मेरिट नहीं है ना, तो यही ठीक होगा आपका, है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए ठीक होगा। इसके बाद देखो 65 नंबर का, देखो जरा 65 नंबर का, बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज भी करवा देंगे अभी। इसको तो देखो आप, इसको तो पढ़ लो, इसको देख लो एक बार क्या क्या आया था आपके ऑप्शन में। चलो देखो, सबमिटिव इवेल्युएशन, ठीक है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इंप्रूविंग ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ डिसाइडिंग द एडॉप्टेशन ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोसेस, तो बी वाला ऑप्शन सही बनेगा इसका। इसके बाद आपसे एक पैसेज पूछा था, देखो पैसेज में क्या क्या बातें की गई थी वो भी जरा देख लो। पहला पूछा था कि, पहला इसमें पूछा था कि मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। तो अब देखो जरा, इसका डिसिप्लिन भी हो सकता है, एडोलेसेंस भी हो सकता है, इसमें भी दोनों को मान सकता है ना। अगर आप पैसेज को इन्फर करते तो डिसिप्लिन की बात भी की गई है और एडोलेसेंस की बात भी की गई है, तो दोनों की बात की गई है, तो आपका 66 ठीक होगा। इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विच आर गिवन बिलो, तो देखो जरा इसमें जो आपका सही बनेगा ना, बोथ एडोलेसेंट एंड दियर फ्रेंड्स फील, तो इसमें बोथ एंड सही होगा ना, क्या हो जाएगा, बोथ एंड ठीक हो जाएगा आपका, क्लियर है ना, बोथ एंड ठीक हो जाएगा। चलो 67 के बाद 68 में देखो जरा, आपका जो ऑप्शन सही था वो नॉट ओनली बट ऑल्सो था, नॉट ओनली गो टू स्टे, तो ना केवल, दोनों की बात की गई है ना, दोनों से संबंधित बात की गई थी। अरे इंग्लिश फर्स्ट भी करवा देंगे, डोंट वरी, इंग्लिश फर्स्ट भी करवा देंगे, एक बार सेकंड तो करवा लूं भाई, है ना, आपको मैंने भरोसा दिला दिया है, करवा देंगे एक बार, ये तो कर लें। देखो इसमें था एडोलोसेंट एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो एडोलोसेंट के हिसाब से वर्ब क्या आएगी, फील्स आएगी। इफ ए गार्डियन नॉट इम्पोज, फर्स्ट फॉर्म आई है तो हैव तो होगा नहीं, गार्डियन सिंगुलर है तो डू भी नहीं होगा और आर भी नहीं होगा, तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डज बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद आपके एक पॉइंट दी गई थी और उससे कुछ आपसे लिटरेरी डिवाइसेज पॉइंट फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे गए थे। पहला आपसे पूछा था कि चूज द करेक्ट राइम स्कीम, देखो जरा भाई, करेक्ट राइम स्कीम पूछी थी, तो यहां से था, ये तो ए ऑप्शन हो गया आपका, जस्ट ए मिनट, ये तो ए ऑप्शन हो गया आपका, और ये बी हो गया, रोज है, चूज है, बी और बी, तो ए बी, ए बी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, और मैंने अभी बताया ना कि एज आए, लाइक आए, तो आपको क्या करना है, सिमली करना है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और विच लेट, देखो रिचार्ड वॉज ए लॉयन इन द फाइट, तो इसमें क्या है, इसमें मेटाफर है भाई, क्या है, मेटाफर। इसके बाद प्राइड
goes forth on horseback, grand and gay, but comes back on foot and begs its way. तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? आपका personification. क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए personification बनेगा. प्राइड को क्या किया गया है? Personify किया गया है. इसके बाद 75 नंबर का था, जरा देखो. 75 नंबर का था बेटी बॉटर बॉट सम बटर. बेटी बॉटर बॉट सम बटर. और इसमें जो आपका बनेगा भाई वो आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन है. और यहां पर बात की गई है नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की, तो मस्ट हो जाएगा. यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, तो मस्ट ठीक हो जाएगा. व्हाट्स द गुड ऑफ एंटरिंग इनटू नेगोशिएशन विद ए मैन ऑफ स्ट्रोक, इडियम्स पूछी गई थी आपसे. अ मैन ऑफ स्ट्रोक का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, है ना, और कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके पास कोई कुछ होता ही नहीं है, तो उससे आप क्या ही डील करोगे ना, क्या ही डील करोगे. तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनता है. ठीक है भाई, चलो चलो नेक्स्ट देखो. ए पॉइम दैट हैज 14 लाइंस ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? सोनेट. ठीक है ना, क्या बनेगा? सोनेट. और इसमें जो था आपसे पूछा था क्लीन शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो क्या हो जाएगा? रनअवे हो जाएगा. इनमें से पूछा था कि कौन सा एलिजी से संबंधित नहीं है, तो जॉयफुल. और बाइलेबियल साउंड पे और बे हो जाएगा. लेटरल साउंड आपका एल हो जाएगा. सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर सिप का क्या पूछा था, तो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा. तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा. ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा. चलो 84 देखो आप, फिर आपका एक शिफ्ट रह जाएगा, उसको फटाफट करवा देते हैं ना. देखिएगा जरा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जूट, जूट का सही क्या बनेगा? ये वाला बनेगा. और रीत का क्या बन जाएगा? ये वाला हो जाएगा. अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मे एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ये अब्राहम लिंकन का सेंटेंस है. चारों ही ऑप्शन आपके गलत है, चारों ही ऑप्शन आपके गलत है ना. ये ना वुड्स का है, ना विलियम वीक का है, ये अब्राहम लिंकन का है जो ऑप्शन में नहीं था. तो ये तो क्वेश्चन डिलीट ही करना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन तो उनको डिलीट करना पड़ेगा. नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? एल एस आर डब्ल्यू खूब पढ़ाया है आप लोगों को. विच वन ऑफ दीज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो इसका होगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं होती, ये नॉट के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. 89 देखिएगा आप, 89 आप जरा देखिएगा. विच इज ए लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, तो प्रोजेक्ट अप्रोच है, कौन सी है? प्रोजेक्ट अप्रोच है. और चूज वन ऑफ दीज विच इज नॉट ए रेमेडी टू रिसोल्व द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें जो सही बनेगा ना वो डी ऑप्शन है. यूज ओनली वन मेथड, यानी किसी चीज को सिखाने के लिए तो वेरियस मेथड्स का यूज किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? डी वाला ठीक हो जाएगा. चलो, तो अब आपका ये हो गया था आपका कौन सा शिफ्ट? जस्ट ए मिनट. हाँ, ये एक्चुअली शिफ्ट नंबर थर्ड हो गया. अब हमारे पास शिफ्ट नंबर सेकंड और बचा है ना, फर्स्ट का हो गया था, तो आई थिंक ये शायद सेकंड हो. जस्ट ए मिनट देखो, ये शिफ्ट फोर्थ है और ये आपका शिफ्ट फोर्थ है. जस्ट ए मिनट देखो, नो पेन नो गेन बुकलेट नंबर शिफ्ट नंबर वन. ठीक है, ये वन हो गया. जस्ट ए मिनट, ये तो मैथ का हो गया क्या? शिफ्ट नंबर वन मिनट, अभी ठीक बच्चे आ रहे, 60 बच्चे आ रहे हैं. एक मिनट, चलो अभी एक मिनट. आपको देखो इसमें सेशन आपको थर्ड वाले का इसमें एक मिनट लगेगा आपको. ठीक है ना, जस्ट ए मिनट. कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी एक मिनट में हो जाएगा काम. हाँ, और मुश्किल से हम बहुत ही कम समय में इसको पूरा कर देंगे.
परसेप्ट फर्स्ट ये आपका हो गया पेपर शिफ्ट थर्ड शिफ्ट थर्ड क्या है यार ये पेपर शिफ्ट वन शिफ्ट वन शिफ्ट फोर शिफ्ट फोर शिफ्ट वन ये गया बस हो गया काम चलिएगा भाई ये देखिएगा आप ये आपका रहा ये वाला पेपर और अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं इसमें चलिए ये रहा देखिएगा 60 चलो देखिएगा फटाफट देखिए विच वन ऑफ दिस नॉटेड रिलेटेड टू पैसिव वोकैबुलरी पैसिव वोकैबुलरी से संबंधित यहां से ठीक है ठीक है देखिए विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकैबुलरी है ना पैसिव वोकैबुलरी से कौन सा संबंधित नहीं है पैसिव वोकैबुलरी से कौन सा संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा था तो वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड देखो इसमें जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग राइटिंग नॉट रिलेटेड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं अंडरस्टूड होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें ना मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ तो इसमें तो तीनों ही सही हो जाएंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मींस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ठीक है ना हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो इसमें थर्ड थ्री भी हो सकते हैं और फाइव भी हो सकते हैं तो ना दोनों ऑप्शन ए और डी आपके दोनों ऑप्शन इसमें क्या बनेंगे सही बनेंगे भाई ए और है ना दोनों दोनों ठीक बनेंगे चलो इसके बाद देखो द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन एंड डेवलप्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो कौन से देश में जिसका इसका डेवलपमेंट हुआ है तो आप ध्यान रखना इसका डेवलपमेंट हुआ है चाइना और जापान में ठीक है ना मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टीच ऑल सब्जेक्ट लेकिन इरिलेवेंट पूछा है ना जो इससे संबंधित नहीं है तो ऑल सब्जेक्ट टीच ओनली वन लैंग्वेज नहीं सी ऑप्शन सही होगा मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग टीचिंग एफ्रेस वॉट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर टीचिंग एफ्रेस वॉट हैज बीन टॉट अर्लियर सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग टू द न्यू आइटम्स और प्रेफरेंस टू द रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस ऑफ फॉरगॉटन पार्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर तो आपको नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग तो टीचिंग में ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा है ना फ्रेश थोड़ी ना पढ़ाया जाता है फ्रेश थोड़ी ना पढ़ाया जाता है तो इसका ये हो जाएगा ठीक है ना विच वन ऑफ देयर दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश का कौन सा चैलेंज नहीं है इसका करना है आंसर चलो विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इसका करना है आंसर भाई देखो जरा डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ ए लैंग्वेज टीचिंग सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग और लार्ज क्लास साइज तो ये नहीं होगा रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन टू टेस्ट वोकैबुलरी ट्रांसलेशन कंपोजिशन और प्रोनंसिएशन तो प्रोनंसिएशन हो जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय देखो ये भी चारों ऑप्शन गलत हैं टेलर नाम के ऐसा आर टेलर कुछ ऐसा करके उन्होंने इसका सही जो दिया था लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया तो आपका ये गलत माना जाएगा ठीक है ना चलो इसमें आपको देखना था मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज तो विंड एनर्जी इज डिराइव्ड थ्रू ए प्रोसेस वेयर विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द किनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर विच कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफिक टास्क तो इसका जो सही बनेगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा है ना ठीक है इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा बी ऑप्शन सही बनेगा चलो बी ऑप्शन बन जाएगा सही इसके बाद जरा देखो आप नेक्स्ट जो आपका बनता है फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस गिवन बिलो विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज तो इसको पैसेज में से आप एक बार देख सकते हो
इधर और हो जाएगा आपका आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, इधर और हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टर्बाइंस जनरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी, टर्बाइंस एंड जनरेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी, तो देखो एज एज तो होगा नहीं, बट भी नहीं होगा, या तो नीदर नॉर होगा, या क्या होगा आपका, बोथ एंड होगा। तो टर्बाइंस और जनरेटर दोनों की अगर हम बात करें, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द किनेटिक एनर्जी विंड इनटू द मैकेनिकल विच कैन बी यूज्ड स्पेसिफिक टास्क, दोनों से होता है ना, दोनों से, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा ना, बोथ एंड ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ एंड ठीक हो जाएगा। अ जनरेटर विद टर्बाइंस, ठीक है, डैश मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, जनरेटर के हिसाब से कन्वर्ट्स ठीक हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डैश डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें सही क्या बनेगा, आर सही हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद देखो ये आपकी पोईम आ गई, व्हाट दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, और आपका इसमें हो जाएगा ए केयर स्टेयर और बी बी ए बी बी सी हो जाएगा। विथ लिटरेट डिवाइस इज यूज इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन, सेकेंड और थर्ड लाइन में पूछा है, सेकेंड क्या, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ एंड बो, एलिटेशन मेटाफर सिमली और पर्सोनिफिकेशन। तो आप जरा देखो यहाँ ना तो सिमली है, ना पर्सोनिफिकेशन है, ना मेटाफर है, एलिटेशन ठीक होगा ना, स्टैंड और स्टेयर हो गया, और आपका स्टैंड हो गया वापस, है ना, तो आपका एलिटेशन हो गया। इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट एबी फ्राउंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद जरा देखो, आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अबव लाइन, अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, जस्ट ए मिनट, यहां पर जो आपका साउंड सिमिलर है तो असोनेंस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, असोनेंस आपका सही आंसर बनेगा। दायसॉल वॉज लाइक, लाइक आया है तो सिमली बनेगा। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, तो इसमें कुड हो जाएगा। आई थॉट ही डैश बी, तो पॉसिबिलिटी की बात करनी है, किसकी बात करनी है, पॉसिबिलिटी की बात करनी है, और पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो कैन नहीं होगा, विल नहीं होगा, मे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। प्रोहिबिशन इज गाल एंड वॉरमूड टू डिस्टिलियर, तो इसका सही बनेगा आपका हेटफुल। ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी, तो इसका हो जाएगा मेंटेन हिज पोजिशन, क्या हो जाएगा, मेंटेन हिज पोजिशन, है ना, मेंटेन हिज पोजिशन हो जाएगा। और आपके एक दो क्वेश्चन और बचे, फटाफट इसको देख लीजिए, पेट्रार्चन सोनेट है उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका कहा जाता है पेट्रार्चन सोनेट को, इटालियन सोनेट, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, इटालियन सोनेट होगा। प्लोसिव कंसोनेंट कौन से होते हैं, पाबा टाडा। प्लेटल कंसोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फोनेटिक सिंबल फॉर अंडरलाइन, टाइल, तो आइल, आइल इस ये ठीक हो जाएगा आपका। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हैंग, किसका पूछा है, हैंग का पूछा है भैया ना, तो हैंग का जो आपका सही बनेगा वो जरा देखिए, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेस्चर, जेस्चर का आपका बनेगा, जेस्चर का बनेगा ये वाला, ठीक है, जेस्चर का आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो 90 क्वेश्चन, यानी हमने लैंग्वेज सेकंड के चारों जो पार्ट थे उनको डिस्कस कर लिया है, बाकी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज के सेशन में यहीं पर होगा आपका ये क्वेश्चंस का समापन, आपके लैंग्वेज सेकंड का। नेक्स्ट आपका मैथ्स का सोल्यूशन सर लेके आ रहे हैं, तो वहाँ आप बने रहिएगा, जितने भी स्टूडेंट मैथ्स से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।